दोस्तों नवरात्रि और दशहरा बीत चुका है और आप पावर स्टार पवन सिंह के लोकगीत गाने के इंतजार पब्लिक बेसब्री से कर रही है। तो भाई सारी अपडेट आप इस वीडियो में देने वाले हैं। बहुत जल्द आपको पवन सिंह का एक बहुत ही बड़ा गाना नहीं बोल सकते हैं, बहुत ही हिट गाना आपको सुनने को मिलने वाला है शुभ लाभ फिल्म यूट्यूब चैनल के द्वारा। अगर इस गाने की डिटेल्स के बारे में बात करें तो पवन सिंह के साथ में इस गाने में शिल्पी राज की आवाज सुनने को मिलने वाली है। आशुतोष तिवारी ने इस गाने को लिखा है। म्यूजिक जो है प्रियांशु सिंह का होने वाला है। गाने की शूटिंग बहुत ही पहले कंप्लीट कर ली गई थी और ये गाना आप लोगों बीच में बस 4 से 5 दिनों के अंदर रिलीज होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ज्यादा वक्त का इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपको। जैसा कि अभी आपको पता है कि बॉलीवुड गाने तो आ ही रहे हैं, मतलब एक गाना और भी अभी बीच में ही रिलीज हुआ है जिस गाने का नाम था चुम्मा। लेकिन भाई भोजपुरी ऑडियंस है, जब तक लोकगीत गाना नहीं पाती है, भोजपुरी लैंग्वेज में नहीं पाती, तब तक मजा आता नहीं है। तो पवन सिंह लेके आ रहे एक और हिट गाना शुभ लाभ फिल्म्स यूट्यूब चैनल के द्वारा। इस गाने को पोस्टर को भी 1 से 2 दिन में रिलीज कर दिया जाएगा और 4 से 5 दिनों के अंदर ये गाना भी आ जाएगा। और हाँ दोस्तों, एक और बहुत ही ज्यादा खबर तेजी से सामने आ रही है कि बहुत लोगों की नाराजगी है पवन सिंह को लेकर के, पवन सिंह के टीम को लेकर के, भैया लापरवाही क्यों कर रहे हैं, समय से गाना क्यों नहीं आ रहा है और भी बहुत सारी चीजों को लेकर के कि अपडेट क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो इसके पीछे वजह दोस्तों टीम को हम नहीं बोल सकते, पवन सिंह खुद इसकी वजह हो सकते हैं। क्योंकि टीम का क्या काम होता है, टीम का काम होता है कि अपनी मालिक का कहना मानना और जो मालिक कहे वो करना। तो पवन सिंह अगर मैनेजर को अपने बोलते हैं कुछ करने के लिए तो मैनेजर उसको जरूर करेगा, क्यों नहीं करेगा, और मैनेजर अपने मन से कैसे कर सकता है, वो किसी के अंडर काम कर रहा है। इसमें पवन सिंह की ही गलतियां होती हैं। जैसे कि आप लोग समझ लीजिए कि जैसे विदाई गीत आने वाला था, शूटिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट था, सब कुछ ओके था, लेकिन पवन सिंह उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, मतलब गाने को अपने आवाज में गाया ही नहीं। अब भैया जब पवन सिंह अपने आवाज में गाने को देंगे ही नहीं तो गाना आएगा कहां से। तो ये कुछ चीजें होती हैं। लेकिन अब इधर नवरात्रि जैसे कि खत्म हो गई तो छठ पूजा के पहले पहले आपको 2 से 3 लोकगीत गाने सुनने को मिल सकते हैं और एक गाना आप लोगों बीच में आ भी रहा है 4 से 5 दिनों के अंदर। तो आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों पवन सिंह के नए गाने के लिए क्या आपको है इंतजार, और इसी के साथ पवन सिंह की लापरवाही को सुधार करने के लिए आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, ऐसी अपडेट के लिए बने रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक को प्रेस करें।